जनकपुर गांव गंगा के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में कुल 15-16 परिवार रहते थे। लक्ष्मी भी उसी गांव में रहती थी। लक्ष्मी के बचपन में ही उसके माँ और पिताजी का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। वो अपनी दादी के साथ रहती थी। लक्ष्मी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगाती थी। बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं बनाती थी और उसके बाद वो अपने खेतों में काम करने जाती थी। उनके पास उनके खेत ही जीविका के साधन थे। उसकी दादी की चिंता भी लक्ष्मी थी, जो अब युवा अवस्था में पहुंच गई थी, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहती। लक्ष्मी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की। तुम्हारे लिए एक योग्य लड़का देखकर शादी करवा देते हैं। नहीं दादी, कैसी बात करती हैं आप? मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी कर लूंगी तो यहाँ से चले जाऊंगी, फिर उसके बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे पगली, मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मेरा क्या है, 2-4 साल की मेहमान हूँ। जब ईश्वर का बुलावा आएगा तब चली जाऊंगी। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। नहीं दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। एक बार जनकपुर गांव में बाढ़ आई और पूरे गांव की फसल खराब हो गई। जैसे तैसे सबने अपनी जान बचाई और इसके बाद और बुरा हुआ। गांव वालों के पास खाने की कमी होने लगी क्योंकि सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। जिनके घरों में आदमी थे वो तो शहर चले जाते थे और दिहाड़ी मजदूर का काम करके अपना खर्चा चला लेते थे। मुश्किल तो लक्ष्मी और उसके दादी का हो गया। उनके पास कुछ दिनों का ही राशन बचा था। दोनों को बहुत चिंता होने लगी। दादी दादी, बाढ़ ने सारी फसल को बर्बाद कर दिया और हमारा राशन भी खत्म होने वाला है। लो, इस पर तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। सही बात है लक्ष्मी, 2-4 दिनों के बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। क्या करें दादी? बेटी, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, वही कुछ इंतजाम करेंगे। जैसे तैसे 2-3 दिन बीत गए। लक्ष्मी और दादी की चिंता और बढ़ने लगी। लक्ष्मी सुबह सुबह उठकर नहा धोकर माँ दुर्गा की पूजा करने बैठ गई। मन ही मन माँ दुर्गा से बोली, माँ कितने साल हो गए आपकी पूजा करते हुए, आपने हमें कभी दुखी नहीं होने दिया, लेकिन ये कैसा समय आ गया है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब हम दोनों आपके ही सहारे हैं, आप ही कुछ मदद करिए माँ। लक्ष्मी वहीं दुर्गा माँ की प्रतिमा के नीचे सर झुकाए बैठ जाती है। तभी सामने जो दुर्गा माँ की प्रतिमा रखी होती है। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? मैं हूँ बच्चा, तुम्हारी दुर्गा माँ। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं ही हूँ लक्ष्मी। अच्छा बताओ क्या हो गया, इतनी दुखी क्यों हो मेरा बच्चा? माँ, आपको तो सब पता ही होगा, बाढ़ की वजह से हमारी सारी फसल खराब हो गई है माँ, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं और मेरी दादी अब कैसे क्या करेंगे माँ। लक्ष्मी तुम परेशान मत हो, ये लो, यह एक जादुई कटोरा है, तुम्हें जब भी कुछ खाने का मन करे इस कटोरे को बोल देना, ये कटोरा उस खाने से भर जाएगा। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। लक्ष्मी एक बात का ध्यान रखना, ये केवल तुम्हारी ही बात सुनेगा, अगर कोई और इसको आदेश देगा तो यह कुछ नहीं करेगा। ठीक है माँ, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। एक बात और लक्ष्मी, जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो ये कटोरा अपने आप वापस चला जाएगा, जिससे तुम इसके ऊपर निर्भर ना हो जाओ। ठीक है माँ, आप धन्य है माँ, आज विश्वास हो गया कि आप ही जगत की जननी है। उसके बाद लक्ष्मी और दादी की चिंता दूर हो जाती है और उन्हें अब मनचाहे पकवान मिलने लगते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरने लगता है और खेत सूखने लगते हैं। लक्ष्मी रोज जाकर खेतों को देखती है कि खेत अभी फसल बोने लायक हुआ है कि नहीं। 20-25 दिन बाद खेत सूख जाते हैं और फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। लक्ष्मी और दादी बहुत खुश होते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल रुद्रा टीवी हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। कहानी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।